युवराज की जय हो। आज अर्जुन के रथ पर अर्जुन के साथ राजकुमार शिखंडी भी हैं युवराज। अर्जुन के रथ पर शिखंडी? मामा श्री, अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? अपने रथ पर जब वो अकेला था तब उसने क्या कर लिया था भ्राताश्री? कि अब आप उस नपुंसक के आने से चिंता में पड़ गए हैं। और यूं भी एक रथ पर दो महारथी किस लिए? फिर भी तुम स्वयं जाकर गंगा पुत्र से पूछो प्रिय दुर्योधन। कल रात युधिष्ठिर उनसे मिलने आया था और आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी दिखाई दे रहा है। मुझे तो दाल में अवश्य कुछ काला दिख रहा है भांजे। जाओ शीघ्र देखो तो क्या बात है। सारथी, रथ पितामह की ओर लो। प्रणाम। आयुष्मान भव। कल रात आपसे युधिष्ठिर क्यों मिलने आया था? वो मुझसे ये कहने नहीं आया था पुत्र कि तुम्हें त्याग दूं। और यदि ये कहता भी तो मैं नकार देता। फिर भी वो आपसे कुछ न कुछ तो कहने अवश्य ही आया होगा। वो कुछ कहने नहीं आया था पुत्र, वो कुछ लौटाने आया। वो मेरा दिया हुआ एक आशीर्वाद लौटाने आया। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद जो मैंने युद्ध आरंभ होने से पहले उसे दिया था, जिस पर तुमने अपना असंतोष भी प्रकट किया था। वो विजयश्री का आशीर्वाद लौटाने आया था पुत्र, विजयश्री का आशीर्वाद। और सच पूछो तो मेरे होते हुए वो विजयश्री का आशीर्वाद भी व्यर्थ ही था, क्योंकि मेरी पराजय तो हो नहीं सकती, और यदि मेरी पराजय नहीं हो सकती तो उनकी विजय भी नहीं हो सकती। तो फिर आपने क्या कहा? मैं दिया हुआ आशीर्वाद वापस लौटा तो नहीं सकता ना पुत्र, इसलिए मुझे अपने आप को हटाने का उपाय उसे बताना ही पड़ा। तो क्या आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का उपाय बता दिया पितामह? और क्या करता, अपने ही दिए हुए आशीर्वाद की लाज तो रखनी थी ना पुत्र। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा पितामह कि आप किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, मेरे या उनके? मैं तो न तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं पुत्र, न ही उनके। मैं हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं। हे पुत्र, मातृभूमि से अधिक आदरणीय कोई नहीं होता, अधिक आदरणीय कोई नहीं होता। यदि भगवान मुझसे पूछे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर, तो मैं उससे हस्तिनापुर ही मांगू। यदि हजार बार भी वो मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैं हर बार हस्तिनापुर ही मांगूंगा पुत्र, हस्तिनापुर। मैं भी हस्तिनापुर ही मांग रहा हूं पितामह, किंतु आपको उनके हस्तिनापुर के बीच से हटने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पितामह, मैं हस्तिनापुर नरेश कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते आपको यह आदेश देता हूं कि आप इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज कि युद्ध के समाप्त हो जाने से पहले मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। और आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का क्या उपाय बताया पितामह? वो कोई विशेष उपाय नहीं था युवराज दुर्योधन, वो उपाय तो किसी भी क्षत्रिय को रणभूमि से हटा सकता है। मैंने युधिष्ठिर से ये कहा कि यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा।
और ये तो तुम्हारे मामा श्री को भी करना पड़ेगा दुर्योधन। तो फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? तो क्या आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है? जी हाँ पितामह। तब यदि तुम ये चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो शिखंडी को मेरे सामने ना आने देना। किंतु अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वो एक नारी भी है। क्या समाचार रहे भांजे? समाचार यह है कि पितामह शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी के सामने आते ही पितामह शस्त्र रख देंगे और उनके शस्त्र रखते ही शिखंडी के पीछे से वो कायर अर्जुन पितामह पर बाणों की वर्षा कर देगा। अर्थात अर्जुन के रथ को गंगा पुत्र के रथ के आसपास नहीं फटकने देना चाहिए। भांजे, तुम अपने सारे योद्धाओं और महारथियों को आदेश दो कि वे गंगा पुत्र और अर्जुन के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाएं। भीष्म शिखंडी पर नहीं कभी करेंगे वार, किंतु पितामह की करें रक्षा किसी प्रकार। सब शकुनी संग सोचते कोई उचित उपाय, सब मिल घेरे तात को उनके प्राण बचाए। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत करें।